राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस सर्कल ब्लॉग। मैं गीता आप सभी को असम से दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नया शुरुआत। तो सुबह सुबह देखिए, मैं सुबह उठ के लग चुकी हूँ काम पे और अब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो दोस्तों आज भी मौसम बहुत ठंड है, मुझे तो गर्म लग ही नहीं रही है, तो इसीलिए मैंने स्वेटर वगैरह खोली नहीं और मैं काम में लग चुकी हूँ। और इधर से देखिए कितना प्यारा प्यारा फूल खिला है मेरा बगीचे में। तो आप लोगों को मालूम होगा मेरे घर में बहुत सारे फूल के पेड़ है और सब फूल के पौधों में बहुत सारे फूल खिले हैं। इतना ही अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो दोस्तों आज है शुक्रवार और आज बहुत कुछ है क्योंकि आज हमारी गुरुदेव की जन्मवार भी है जो हम लोग निरामिष खाते हैं आज के दिन। और आज हो गया एकादशी, जो तो मैं आज एकादशी भी मानने वाली हूँ। और दोस्तों आज हमारे यहाँ मंदिर में, हमारे गांव की मंदिर में पूजा भी है, तो आज एक ही दिन में तीन तीन चीज़ होने वाली है। तो दोस्तों सुबह सुबह उठ के मैं घर की साफ सफाई में लग चुकी हूँ। तो इधर से घर का झाड़ू हो गया, आंगन का झाड़ू हो गया और अभी मैं घर लिपने लग चुकी हूँ। तो दोस्तों बारिश भी जैसा आने वाला है जैसा लग रहा है, पता नहीं आएगा या नहीं। तो दोस्तों जब लिप रही थी तब लग रहा था भगवान जी बारिश मत होना, इतना कष्ट करके मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो ठंड मौसम होने से भी अच्छा लगता है, धूप ना होने से भी अच्छा लगता है, लेकिन बारिश होने से और बहुत ज़्यादा धूप होने से बहुत ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारे यहाँ पूरा दिन धूप रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और बारिश होने से भी तो आप लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हो, मेरे ब्लॉग देखते हो, तो मेरे घर का हालत कितना ख़राब हो जाता है बारिश होने से आप लोगों को मालूम होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो आप सभी को प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे आप लोग तो प्लीज़ आप लोगों का मतलब एक अंगूठा दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि फिर मैं जब वीडियो डालूँगी आप लोग देख पाओगे। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज हो गया शुक्रवार, तो मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि आज के दिन है ना बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि मैं आज पहली बार एकादशी करने वाली हूँ क्योंकि पहले मैं कभी भी नहीं करती थी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगता है, मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ भूख, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है मुझे। तो इसीलिए मैं डर के मैं कभी भी मतलब एकादशी वगैरह पालन नहीं करती हूँ। तो इस बार सोची, तो इसीलिए भगवान जी की नाम लिया और काम पे लग गई और सोच रही थी कि ना हो पाएगा तो ना करूँ, नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों शाम तक नहीं आज की सुबह, मैं आज शनिवार को वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो आज की सुबह तक मैं भूखी प्यासी रही थी। भूखी प्यासी नहीं दोस्तों, ये भी गलत होगा, मैंने कुछ फल वगैरह खा ली थी। तो मेरे पतिदेव जो है ना मेरे लिए फल वगैरह लाए थे और पूजा भी करने गई थी, वहाँ प्रसाद वगैरह भी खाई थी और बाकी मतलब रोटी चावल ये सब नमक वाला चीज़ ये सब नहीं खाई थी मैं, सिर्फ पूजा करने के बाद वहाँ प्रसादी खाई थी थोड़ी सी। और घर में आने के बाद मेरे पतिदेव मेरे लिए बहुत सारे फल लाए थे, जैसे कि अंगूर, तरबूज, केला ये सब लाए थे, ये सब मैंने खाई थी। और दूध भी लाए थे लेकिन मैंने दूध नहीं पिया था क्योंकि मुझे दूध पीने का मन ही नहीं कर रहा था। तो दोस्तों देखिए, ये जो हम लोग बैठ के खाना वगैरह खाते ना, ये पीरा वगैरह ये सब मैं धो लेती हूँ, झाड़ू वगैरह सब कुछ धो लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा कल जो निकाल के रखी थी वो धोने के लिए ला के भिगा देती हूँ, फिर बर्तन वगैरह धोने के लिए लग जाती हूँ। तो मतलब जिस दिन हम लोग निरामिष खाते हैं ना उस दिन घर का सब कुछ साफ सुथरा कर लेते हैं पहले दिन का, क्योंकि पहले हम लोग मछली खाते रहते हैं ना इसीलिए। तो
हमारे हिंदू धर्म अनुसार, सनातन धर्म अनुसार हमें तो मछली मछली खाना ही नहीं चाहिए, फिर भी क्या करें हम लोग खा खा के मतलब वो हो गया ना, इसीलिए। तो जिस दिन हम लोगों का कुछ होता है पूजा वगैरह, तो उस दिन हम लोग निरामिष खाते हैं ना, और हमारे गुरुदेव। तो दोस्तों थर्सडे और फ्राइडे दो ऐसे तो सब दिन ही भगवान की होती है, इसीलिए तो हम लोग नहीं मान पाते हैं, इसीलिए कुछ कुछ दिन है जो हमें मानना पड़ता ही है। तो इसीलिए फ्राइडे तो मतलब मानना पड़ेगा ही हमें, जो हमारे गुरुदेव के जो मतलब आज मतलब इस हर फ्राइडे को निरामिष खाते हैं। तो पिछले कल से ही निरामिष ये सब अच्छा तरह से धो के साफ कर लिपाई पुताई करके आज फिर पूजा है ना, इसीलिए तो पूजा भी है, फ्राइडे भी है। और मैं तो एकादशी मानने वाली हूँ, तो मैं आज खाना नहीं खाने वाली क्योंकि मैं एकादशी मानने वाली हूँ। तो ये सब कल की बर्तन वगैरह था जो धोया हुआ भी था कुछ और कुछ ना धोया हुआ भी था, तो सब मतलब धो लेती हूँ क्योंकि सब कुछ अच्छे से धो लेने से मन में एक शांति आता है और मतलब अच्छा लगता है। अगर कुछ रह जाता है तो लगता है कि नहीं इसमें छुआछूत रह गया जैसा लगता है, इसीलिए तो सब बर्तन वगैरह मैं इधर से धो लेती हूँ। और दोस्तों क्या बताओ, मतलब अलग अलग दिन में ना कभी इतना ज़्यादा भूख लगता है मुझे कि क्या ही बताऊँ। तो आज भगवान जी के लिए उपास हूँ, इसीलिए शायद मुझे भूख की कुछ मतलब महसूस ही नहीं हो रहा है, सब भूख लग ही नहीं रहा है। तो मैं अभी बर्तन वगैरह धो ली, धोने के बाद मैं ये जो मेरा ट्यूबवेल है ना यहाँ पे पक्का में अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं ले आती हूँ कपड़ा जो मैंने पहले भिगो दी थी। तो ये कपड़ा वगैरह धोने के बाद मुझे नहाना है, बहुत कुछ काम करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था कि कब काम ख़त्म होगा ऐसा लग रहा था। और मंदिर में भी पूजा है गांव के मंदिर में, तो लग रहा है कि सब आ गए हैं, मैं ही नहीं गई हूँ अभी तक, ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था। और मैं जितना हो सके जल्दी जल्दी कर रही थी, बहुत सारा काम भी था इधर से। पता नहीं दोस्तों, मतलब कुछ भी होता है ना, जिस दिन कुछ करना होता है उस दिन और काम ज़्यादा हो ही जाता है मेरा, पता नहीं क्यों। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये कपड़ा मैं कल भी धो सकती थी, या पिछले कल धो सकती थी, या अगले कल धो सकती थी, लेकिन नहीं, ये सब मैंने आज ही भिगोया क्यों पता नहीं। ऐसा भी तो नहीं था जे कि ये नहीं धोती तो नहीं चलता, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो ही जाता है, जैसे कि इतना सारा काम एक ही दिन मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा ही हो जाता है। मालूम नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, हमेशा ही ऐसा ही होता है। जिस दिन काम नहीं रहता है ना कुछ, और जिस दिन काम रहता है। धो लेती हूँ, धोने के बाद लास्ट मतलब आप लोगों को मालूम होगा आयरन पानी है ना हमारे यहाँ, तो फिल्टर में लास्ट धोने के लिए ले आती हूँ। तो फिल्टर के पानी से धोने से मतलब कपड़े में लाल कलर नहीं आता, अगर बिना फिल्टर के पानी से धो दूँ ना सफ़ेद कपड़ा भी मतलब रेड रेड हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे यहाँ ना इस पानी का दिक्कत बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये। और फ्यूचर में अगर कुछ बाथरूम वगैरह अच्छा से बनाऊँगी ना, फिर भी सब रेड रेड हो जाएगा शायद पानी से। तो मुझे यही सब सताता है बात कि मैं कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी, ये वो। हमारे यहाँ है ना ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियोस में, चारों ओर मतलब इतना सुंदर, इतना प्यारा मतलब व्यू है, इतना सुंदर जगह है कि क्या ही बताओ आप लोगों को। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो है पानी का। मतलब ये पानी का प्रॉब्लम नहीं होता ना तो मेरा मतलब बहुत ही अच्छा मतलब नसीब होता, पानी के लिए मेरा नसीब मुझे लगता है कि ख़राब है, क्योंकि मेरे मायके में ना फिल्टर वगैरह कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वहाँ का पानी है ना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ के जो पानी है इससे नहाने से ना हमारे बाल भी ऐसे कैसे ही हो जाता है, मतलब
फिल्टर के पानी से धोने से अच्छा होता है, और बिना फिल्टर के पानी में धोने से मतलब बाल पूरा आठा आठा हो जाता है। फिर भी ना दोस्तों, हमेशा तो फिल्टर के पानी से नहीं धो सकती, क्योंकि फ़िल्टर का पानी जो है ना बहुत ही ठंडा रहता है, इसीलिए तो ज़्यादातर तो मैं ट्यूबवेल के पानी से ही नहा लेती हूँ। तो इधर से दोस्तों नहा धो के आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में, क्योंकि खाना बनाने के लिए पतिदेव के लिए तो बहुत टाइम हो गया था, शायद लगभग 11 या 11:30 हो गया था। तो इसीलिए मैं खाना पका लेती हूँ पहले, सोचती हूँ मुझे भूख नहीं लगा तो क्या हुआ, पतिदेव को तो भूख लगेगा ही, तो इसीलिए पतिदेव के लिए खाना बनाने लग जाती हूँ। और खाना बनाने के बाद ही मैं पूजा वगैरह करती हूँ, तो भगवान जी को कहती हूँ कि भगवान जी बुरा मत मानो, मैं पहले पतिदेव के लिए खाना बना लेती हूँ, उसका बाद आपको आपकी पूजा करूँगी। तो फिर ये कह के मैं लग जाती हूँ, ये पूजा करने वाला ड्रेस पहन के ही मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। और फिर नहाने के बाद मतलब अलग कपड़ा पहनूँगी, फिर पूजा के कपड़ा पहनूँगी, बार बार चेंज करना होगा ना, इसीलिए मैं पहले सोची पूजा पूजा की ड्रेस पहन ली थी और फिर खाना पकाने लगी हूँ। मांस मछली तो नहीं बनेगा ना, निरामिष ही बनेगा, इसीलिए कुछ भी नहीं होगा, ये सोच के मैं लग जाती हूँ खाना पकाने के लिए। और खाने में मैं बनाती हूँ आज थोड़ा मतलब घास घूस वगैरह, मतलब निरामिष सब्जी बनाती हूँ, ये वो डाल के, आलू सालू क्या क्या डाल के पता नहीं। और दोस्तों इधर से मैं भात हो गया, मतलब चावल हो गया मेरा पतिदेव के लिए, बहुत थोड़ी सी बनाई थी, बहुत जल्दी हो गया था। और इधर से सब्जी भी चढ़ा दी है, और इधर से देखिए मैं अलग से मसाला वगैरह निकाल लेती हूँ ये सब, क्योंकि आज है निरामिष, तो निरामिष में हम लोग जब मांस मछली बनाते हैं तब जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तब वो चीज़ हम लोग निरामिष खाने के टाइम में नहीं यूज़ करते, अलग से निकाल लेते हैं नया वाला। तो ये सब निकाल लेते हैं, इधर से सब्जी मैंने चढ़ा दी है, और इधर से पानी वगैरह सब हटा के रख दे रही हूँ। इधर से सब्जी कटने वाला जबड़ा जो निकला था उसे भी फेंकने चली जाती हूँ, उधर से सब्जी बैठा के आ जाती हूँ, गैस में सब्जी हो रही होती है, और इधर से मैं आ जाती हूँ मंदिर में मतलब मेरा अपना घर का मंदिर में। तो दोस्तों घर का मंदिर में आने के बाद मैं लग जाती हूँ घर का मतलब सॉरी मंदिर का साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि नहाने से तो पहले नहीं घुसती हूँ ना, इसीलिए नहाने के बाद ही घुसती हूँ। तो इधर से मेरे पतिदेव लेके लाए थे सामान पूजा करने के लिए, तो बाहर ही रख के गए थे। और अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ मंदिर का अंदर, फिर बर्तन वगैरह धो लेती हूँ पूजा की, फिर मंदिर का अंदर का साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, जो जो करना होता है वो सब कर लेती हूँ। करने के बाद फूल वगैरह देखिए कितना प्यारा प्यारा फूल खिलता है ना मेरा बगीचे में, मैं आप लोगों को बता ही नहीं पाऊँगी, मतलब इतना प्यारा, मतलब कैमरा में इतना अच्छा नहीं लगता, सामने से जितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए मैंने एक गमला फूल तोड़ ली है, और इधर देखिए कितना प्यारा प्यारा, कितना खूबसूरत खूबसूरत, कितना अलग अलग तरीका का फूल, मतलब मेरे यहाँ ना भगवान जी की आशीर्वाद से बहुत सारा फूल खिलता है, जिसके लिए मैं बहुत प्रसन्न रहती हूँ, क्योंकि फूल मतलब इतना सारा फूल किया बताओ आप लोगों को। और सब मैं भगवान जी के चरणों में ज़्यादा फूल जब देती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी के चरणों में जाने के लिए फूल भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं, इसीलिए। तो देखिए मैं एक गमला फूल लेके आई हूँ, हर रोज़ लाती हूँ, और हर रोज़ इस तरह से खूबसूरत से डेकोरेशन करके भगवान को मैं फूल वगैरह चढ़ाती हूँ, फल फूल दे के रोज पूजा करती हूँ, और भगवान जी से मैं एक प्रार्थना करती हूँ कि दोस्तों मेरी जिंदगी में आज भी कुछ भी कमी नहीं है, सिर्फ एक जो हमें एक बेबी चाहिए, तो यही प्रार्थना रहती है मेरी भगवान जी से हमेशा। तो दोस्तों इस बात में मैं इमोशन भी हो जाऊंगी अभी, तो दोस्तों इसीलिए 4 साल हो गए हमारी शादी के, तो इसीलिए दोस्तों हमें और अभी कुछ कमी नहीं है, सिर्फ यही कमी है। और इधर से देखिए मैं मंदिर जाने वाली हूँ, तो इसे इधर से फल वगैरह काट के सजा लेती हूँ, तो मेरे जो भतीजा है ना वो आके बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं कह रही हूँ कि दे रही हूँ बाबा दे रही हूँ, क्योंकि उसे पहले देना है, क्योंकि भगवान जी को बाद में चढ़ाने से भी कोई मतलब कुछ
गलत नहीं होगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे पहले दे दूँ तो कुछ भी नहीं होगा। तो उसे मैं केला निकाली हूँ, उसे केला खाना है। एप्पल निकालती हूँ तो उसे एप्पल खाना है। जो भी निकालती हूँ उसे वही खाना है। तो मैं कहती हूँ कि रुको रुको कह के उसे, मतलब सब कुछ उसे ही पहले दे रही थी। तो फिर इधर से आम निकाल के काट रही थी और आम देख के उसे आम भी खाना है। तो फिर आम मैं काट के दे देती हूँ, और आम की गुठली जो होता है उससे मैं उसे दे देती हूँ कि तुम इसे बैठ बैठ के खाते रहो। तो वो आम की गुठली जब तक खाएगा, मेरा इधर से ये सब बाकी का काम हो जाएगा। तो इधर से मैं सारा फल एक एक करके निकाल लेती हूँ अच्छी तरह से, दो दो के काट के, मतलब सजा के लेके जाती हूँ। और इधर से अनार जो है ना, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो भतीजा को जो है ना, उसे मैं दे देती हूँ आम की गुठली, दे के उसे बैठा देती हूँ। वो बैठ बैठ के खाता है। वो बड़ा वाला भतीजा जो खा के फेंकता है, छोटा वाला भतीजा उसे उठा उठा के खाता है। ऐसा ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं उन लोगों को नहीं दिखा सकती आप लोगों को, क्योंकि वो लोग नंगा पुंगा होते हैं। और अगर नंगा पुंगा उन लोगों को उठ मतलब वीडियोस में डाल दिया, पहले भी डाली थी मैंने, फिर यूट्यूब ने मेरा वीडियो ही डिलीट कर दिया। इसीलिए मैं उन लोगों को नंगा पुंगा रहते हैं, इसीलिए नहीं उठाती हूँ और मतलब आप लोगों को नहीं दिखाती हो। तो दोस्तों मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, मैं अब चली। और इतना सारा सामान हाथ में लेके ना, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए कितना चावल वगैरह, फूल, धूप क्या, ये सब कुछ मैं घर से ही लेके चली जाती हूँ। और इधर से आके मंदिर पहुँच जाती हूँ। देखिए सब पूजा कर रहे होते हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। और इधर से पूजा शुरू हुआ था, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, लेकिन मैं सबसे लेट ही आई थी सच में। तो इधर से देखिए लोग कह रहे थे कि तुम तो वीडियो बनाते हो ना इसीलिए। तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं तो वीडियो बनाती हूँ इसीलिए, तुम लोगों को भी उठा लूँगी थोड़ी सी कह के मैं फिर से वहाँ भी थोड़ी वीडियो, तो वीडियो में थोड़ी सी शूट कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे जेठानी जी भी यहाँ आई हुई थी, तो उन्हें मैंने कहा कि मैं भी थोड़ी दिया वगैरह जला लेती हूँ, तो आप मुझे थोड़ा वीडियो शूट कर दीजिए। तो मेरे जेठानी जी आए थे, तो अच्छा हुआ कि मुझे भी थोड़ा वीडियो शूट हो गया मेरा भी। मैं इधर से दिया वगैरह भगवान जी के पास जला रही थी दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लगा तो दोस्तों इधर से पूजा वगैरह करने के बाद मैं जाती हूँ शाम को घर में। और उसका बाद है ना, क्या बताऊँ मतलब आप लोगों को, आज पूरा मतलब ऐसा, और आज का दिन ऐसा था कि मुझे, मैंने आज पूरा दिन खाना नहीं खाया, मुझे ऐसा लगा ही नहीं दोस्तों। तो पहली बार मैंने एकादशी व्रत पालन की थी, तो मेरे से हो गया। मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कर पाया, मतलब किया मैंने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे मतलब। तो दोस्तों इधर से मेरे पति देव भी जो है ना, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, है ना, इसीलिए। तो इधर से ये दीदी लोग कह रहे थे कि तुम वीडियो वगैरह करते हो तो हमें भी थोड़ा उठा लो, मतलब हमारे भी वीडियो बना लो। तो मैं उन लोगों को वीडियो बना लेती हूँ। ये जो मेरे बगल में बैठे थे, वो एक नानी है जो मेरे साथ हमेशा लड़ती रहती है, तो उसके उनके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो गया। तो इधर से देखिए और बाकी औरतें जो है, बहुत सारी औरतें बैठ के गाना देख रहे थे, और बहुत सारे मतलब नाच नाच के भगवान जी के गाना गा के नाच रहे थे। बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे भी मन करता था, कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ये सब गाना मतलब नहीं आता है सच में क्यों बोलूँ तो। तो फाइनली पूजा वगैरह हो जाता है, सब बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद सब एक साथ बैठ के प्रसाद खाते हैं हम लोग। प्रसाद वगैरह खाने के बाद मतलब हम लोग फिर से घर चले जाते हैं। तो इधर से देखिए सबको मतलब, ये लोग एक दो लोग कह रहे कि मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा फीलिंग पहली बार हुआ। तो इधर से रात को फिर तरबूज वगैरह लेके आए थे मेरे पति देव मेरे लिए, खा ही। उसका बाद इधर से देखिए रात में है ना, ये धुतुरा का फूल शिव जी का रात को ही खिलता है, मैं दो तीन दिन से नोटिस कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर से देखिए, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।